कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। तो वहीं इंदौर से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पता चला है कि एक और पुलिस अधिकारी की कोरोना से लड़ाई के दौरान मौत हो गई है। जी हां, 59 साल के थाना प्रभारी यशवंत पाल का इंदौर में निधन हो गया है। आपको बता दें कि यशवंत पाल उज्जैन जिले के नीलगंगा इलाके के थाना प्रभारी थे और 27 मार्च को उनके थाना क्षेत्र की अंबर कॉलोनी में संतोष वर्मा नामक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद वो खुद ही कंटेनमेंट क्षेत्र के आसपास की व्यवस्था देख रहे थे, जहां पर वो खुद कोरोना का शिकार हो गए और उनकी हालत बिगड़ती चली गई। साथ ही जिस समय उन्हें इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में लाया गया था, उस समय उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया था और उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ थी। उनका ऑक्सीजन रेशियो भी 60% था और लगातार डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बावजूद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। खाने से यशवंत पाल की दुखद मृत्यु आज सुबह 5:10 पर हो गई है। वो हमारे यहाँ उज्जैन से सीरियस हालत में आज से 10 दिन पहले लाए गए थे। उस समय उनको दोनों फेफड़ों में निमोनिया था और उनको बहुत सांस में लेने में तकलीफ हो रही थी और उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 60% था। निरंतर इलाज के बाद भी उनमें कभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। अंत में आखिरी इलाज के तौर पर उनके ट्रेकोस्मी करके उनको वेंटिलेटर पर भी 48 घंटे से रखा हुआ था, बट क्योंकि उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब सिंड्रोम और सीवियर वेराइटी का था, तो हर संभव प्रयास के बाद भी हम उनको बचा लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उज्जैन नीलगंगा के थाना प्रभारी श्री यशवंत पाल के कोरोना से लड़ाई के दौरान हुए निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया और उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की बात कही। न्यूज़ डेस्क।